गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय किला पारडी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट स्टोरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन वी डिस्कस अबाउट हाउ वाइड इज दिस डेस्क। सो हमने क्या किया था, गिल्ली डंडा से किस तरह से पहले मेजरमेंट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस अबाउट मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ स्ट्रिंग लेंथ। ओके, देन वी लर्न अबाउट सम मेजरमेंट्स, जिसमें हमने क्लासरूम का मेजरमेंट किससे किया था, लेग मीन्स फुट से। देन we discuss about measuring the width of a table with a hand spoon. Then we discuss about standard unit of measurement like centimeter, meter, millimeter, kilometer. Now today we are discuss about the next topic, it is correct measurement of length. So hum measure to kar lete hain kuch bhi, but uska jo proper measurement ka correct कैसे मेजरमेंट लगाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन ओवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ, अ टेलर यूजेस अ टेप, वेरियस अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू मस्ट चूज द सूटेबल डिवाइस। सो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग सूटेबल डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि टेलर क्या यूज करता है, टैप। देन मर्चेंट मीटर रॉड का यूज करता है। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और अ साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस। सो हम स्केल से या रॉड से हम जो ट्री का गर्थ है वो हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम मेजर टैप का यूज करते हैं। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच As the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometric box. So, हम क्या करते हैं पेंसिल का अगर हमें मेजरमेंट निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, जियोमेट्रिक बॉक्स में से हम 15 सेंटीमीटर का स्केल का यूज करेंगे। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट with the object along its length as shown in figure number 10.7. So यहाँ पे एक figure दिया गया है 10.7. So object के contact में लेके इसे किस तरह से measure करते हैं वो हम देखेंगे। In some scales the end may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. Okay, like here हम देख सकते हैं कि इसका जो end point है वो cut हो गया है। Okay, हम जीरो पॉइंट जो है वो क्लियरली नहीं देख पाते। यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो क्लियर नहीं है, वो कट गया है। तो हम क्या करेंगे उस टाइम में, हम क्या करेंगे, इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। ओके, तो जीरो अगर कट गया है हमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फॉर एग्जांपल इन फिगर 10.8b द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एन अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। क्लियर दैट? ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो कट हो गया है, तो कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से कहाँ तक, 14.3। सो 14.3 माइनस 1 इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। क्लियर दैट? नाउ करेक्ट पोजिशन ऑफ द आईज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आईज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी taken as shown in 10.9. Position B is the correct position of eye, not that from position B the reading is 7.5 centimeter. From position
ए एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट. सो जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका पोजिशन भी बहुत ही डिपेंड करता है. ओके सो फर्स्ट क्या करना है, हमें स्केल को कॉन्टेक्ट में रखना है. देन स्केल का अगर आगे का पोर्शन मीन्स जीरो मार्क क्लियर नहीं हो तो हमें उसे वन या फिर अदर मार्क से अदर नंबर से उसे रीड करना स्टार्ट करना है. देन थर्ड वन इज करेक्ट पोजिशन. आप यहाँ पे देख सकते हो सी पोजिशन से आपको 7 रीडिंग मिलेगा, ए से 9 मिलेगा, बट 7.5 इज यस इज करेक्ट रीडिंग एंड पोजिशन बी इज करेक्ट पोजिशन. ओके सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या करना है, आपके क्लासमेट की हाइट ओके हैंड स्पैन से मेजर करनी है, देन मीटर स्केल से यूज करनी है. ओके एंड उसे कहाँ पे वॉल के बैक पे खड़े रहने के लिए बोलना है एंड उसका हेड से लेके नीचे तक पूरा मेजर जो है वो हैंड स्पून से करना है, देन मीटर स्केल से करना है एंड उसका जो रीडिंग आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, हैंड स्पून से क्या आया एंड सेंटीमीटर में क्या आया. ओके क्लियर दैट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ.